अच्छे होंगे। दोस्तों गर्मियां शुरू होने वाली है और गर्मियों में आपके चेहरे पर भी मुस्कान आना शुरू हो जाती है क्योंकि आपके पास काम आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही गर्मियां शुरू होती है सबसे पहले आपके पास सीलिंग फैन आना शुरू होते हैं। सीलिंग फैन आप प्रिपेयर करते हो तो आपके सामने एक समस्या आती है। समस्या क्या है? सीलिंग फैन को खोलने की। कई बार पुराने सीलिंग फैन हो जाते हैं तो वो काफी टाइट खुलते हैं और उनकी जो बॉडी है, आजकल नाजुक बॉडी आ रही है, अगर थोड़ा सा भी हम दबाव देते हैं तो बॉडी है टूट जाती है। तो दोस्तों मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से 36 इंच का सीलिंग फैन भी खुल जाएगा और 24 इंच का भी खुल जाएगा और 48 इंच का भी खुल जाएगा। तो दोस्तों वो सिस्टम मैंने क्या बनाया है आपको देखना है वीडियो एंड तक। एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और ये सिस्टम जो मैंने बनाया है वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो वो सिस्टम क्या है वीडियो में आप जरूर देखिएगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है सीलिंग फैन ओपन कूलर जो नया मॉडल बना है। इसमें आप 48 इंच, 36 इंच और 24 इंच ये तीनों फैन आप खोल सकते हो। तो ये आपको मैं पहले अच्छे से दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करेगा, वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे डिजाइन किया है और ये एडजस्ट होता है आगे पीछे, इस तरह से हो जाता है। जहाँ पर हमको सेट करना है वो आगे पीछे ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें फैन को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कपलिंग लगाना पड़ेगा। तो कपलिंग देखिए इस तरह का कपलिंग होता है ये वाला, इसमें दो छेद हमने निकाले और एक इस नट में भी छेद है। तो हम इसको लगाएंगे पहले, तो इसको इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से ये लग जाएगा। तो ये देखिए ये लग चुका है। अब हमको क्या करना है, पहले हम खोलेंगे 48 इंच वाला जो फैन है और फिर खोलेंगे 36 वाला। तो मेरे पास 36 वाला भी है तो मैं 36 वाला भी आपको दिखा देता हूँ। पहले हम 48 का खोलते हैं। तो 48 का खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जो कूलर जो फैन की जो शाफ्ट है उससे कनेक्ट कर। तो इसी तरीके से हमको नीचे वाली शाफ्ट में इसे कनेक्ट कर देना है। अब हमको क्या करना है, ये जो आपको दोनों कवर के बीच के अंदर एक आपको धारी जो दिखाई दे रही है, दोनों कवर अलग अलग हो जाएंगे, तो हमको इनको यहाँ से लाकर इसे अटैच कर देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। तो इसे आप घुमाकर इस तरह से नीचे लेंगे, तो नीचे लेते ही ये सेंटर में आ जाएगा, इसके सिर में ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमको घुमाकर नीचे ले लेना है। तो देखना है कि ये अभी थोड़ा और लेना है तो हम थोड़ा और लेते हैं, अभी सेंटर में नहीं आया है, तो ये सेंटर में आ चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको इस तरह से पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ने के बाद हमको इसको टाइट करना है। यहाँ से हम घुमाएंगे तो ये देखिए आगे की ओर निकल रहा है, ये देखिए धीरे धीरे आगे ओर निकल रहा है और ये देखिए अंदर जा रहा है। इसी तरीके से इस साइड का भी जो ये सिस्टम है इसे भी हमको घुमाते रहना है और ये धीरे धीरे आगे की ओर निकल रहा है, ये देखिए आगे की ओर जा रहा है, ये देखिए आगे की ओर चला गया है और धीरे धीरे देखिए ये अंदर जा रहा है, दोनों कवर के अंदर ये चला जाएगा। तो ये देखिए अंदर चला गया है, ये देखिए अब इतना जाने के बाद काफी है। तो अब देख लीजिए दोनों तरफ से फैन लॉक हो चुका है, इस साइड से भी लॉक हो चुका है और इस साइड से भी लॉक हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको उल्टा घुमाना है, इसको उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमाते क्या होगा, फैन का ऊपर का जो कवर है वो निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह से हमको घुमाते रहना है। और अब धीरे धीरे देखिए ये फैन है ओपन हो रहा है, ये देखिए हम जैसे ही हम घुमाएंगे तो धीरे धीरे देखिए फैन है वो खुल चुका है। अब जैसे जैसे हम घुमाएंगे फैन है ऊपर की ओर खुल जाएगा, देखिए ऊपर का कवर है वो निकल चुका है, ये देखिए निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये कपलिंग एक बार खोल लेते हैं, तो ये देखिए फैन है वो नीचे का कवर नीचे रह गया है और ऊपर का ऊपर रह गया है। अगर आप ऊपर का कवर भी इससे ही खोलना चाहते हो तो आप इस पर रख दीजिएगा। आपको किस तरह से रखना है आपको मैं बता देता हूँ, आपको इस फैन का जो स्टेटर है वो आपको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद आपको कपलिंग फिर से लगा देना है। इस तरह से कपलिंग लगाने के बाद हमको फिर से नट को घुमाना है और इस तरह से देखिए घुमाते रहना है,
और स्टेटस से बॉडी से स्टेटस है वो निकल जाएगा। अब आपको मैं धीरे धीरे नीचे की ओर दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे स्टेटस है वो आ रहा है। ये देखिए स्टेटस है वो निकल रहा है बेरिंग से। ये देखिए पूरा निकल चुका है। ये देखिए अब हम खोल लेंगे। 36 का जो फैन है वो भी आप आसानी से खोल सकते हो। 36 का भी आपको खोल कर मैं दिखा देता हूँ। और ये देखिए दोनों कवर से अलग अलग ये हो गया है। तो ये जो फैन खोलने का जो सिस्टम है ये अच्छे से काम कर रहा है। तो ये देखिए अलग अलग हो चुका है। तो अब इसको रखते हैं हम साइड में। अब लेते हैं 36 वाला। तो ये हमारे पास 36 वाला है, तो चलो लेते हैं। तो इसको भी हम रिंग में लगाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा पहले हम ऊपर लेंगे, इसको भी हमको कनेक्ट कर लेना है इसे। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमको उसी तरीके से हमको सेंटर में ले लेना है। और आपको करना क्या है, इसको अंदर लगाना है, इसको घुमाते रहना है, धीरे धीरे अंदर जाएगा। देखिए ये निकल रहा है। जैसे जैसे आप घुमाओगे वैसे वैसे निकल जाएगा। और ये टच होने के बाद ये भी टाइट करेंगे, तो ये अंदर जा रहा है। ये देखिए तो दोनों को हाथ से घुमाते रहना है। ये देखिए अंदर जा रहा है। ये अंदर चला गया है। अब इस साइड वाला भी अंदर जा चुका है। अब ये लॉक हो चुका है फैन। अब हम इसको नट को घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। उल्टा घुमाते ही ऊपर का कवर खुल जाएगा। ये देखिए कवर है वो खुल चुका है। ये देखिए अब आप कपलिंग हटा लीजिएगा। कपलिंग हटाकर आप आसानी से फैन को अलग अलग कर सकते हो। पसले, द्वारगण ले लो। देखो 36 इंच का जो फैन है वो भी आसानी से खुल गया है। तो दोस्तों ये सीलिंग फैन खोलने के लिए ये जो कूलर है छोटे फैन भी खोलेगा और 48 इंच का जो फैन है वो भी खोलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़ैन है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ख़रीदना है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर हमारा एड्रेस भी है, MK इलेक्ट्रिक मिनी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन मैन्युफैक्चर हम करते हैं। तो इन पर नंबर भी है, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।